लुक, दिस इज शॉमी टेन प्रो और इसमें मैं शॉमी हाइपर ओएस को यूज़ कर रहा हूँ, जो मोस्ट स्टेबल मॉडर्न रोम में देखने को मिलता है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, शॉमी डॉट टू की हाइपर ओएस रोम। और दोस्तों, इस रोम में मुझे दो मेजर बग्स देखने को मिले हैं, जिसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, वो बग्स बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू है, क्योंकि जो हाइपर ओएस में जो फीचर्स हमें देखने को मिलता है, वही दो मेन फीचर्स यहाँ से उसमें काम नहीं करता है। तो वो दो फीचर्स कौन से होने वाले हैं, मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हाइपर ओएस बाई शॉम डॉट यू 1.0 23.11.27, यानी दोस्तों मैं इसमें 27 नवंबर 2023 की बिल्ड को यूज़ कर रहा हूँ, डेवलपर बिल्ड को यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें हमें 114 की अपडेट, नवंबर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं कंपेयर करता हूँ लास्ट वाले बिल्ड से, तो यहाँ पर कैमरा जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है। लास्ट वाले बिल्ड में जो कैमरा था, वो कुछ खास यहाँ पर इम्प्रूव नहीं था, पर इस वाले अपडेट में कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। पर अगर आप लोग इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं, डिटेल रिव्यू चाहते हैं, बैटरी की रिव्यू चाहते हैं, कैमरा की रिव्यू चाहते हैं, गेमिंग रिव्यू चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को जो दो मेजर बग्स बताने वाला हूँ, जो हमें शॉमी डॉट यू में देखने को मिलता है, वो क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रेडमी K20 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। तो इस डिवाइस में भी मैं हाइपर ओएस को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को हाइपर ओएस यहाँ दिखा देता हूँ वर्सन, तो देख सकते हैं ये 4 नवंबर 2023 की बिल्ड मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ। और जो दो मेजर बग्स में आपको बात बता रहा हूँ, वो कौन सा मेजर बग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमें लोकेशन जो कस्टमाइजेशन मिलता है, मैं आप लोगों को दोनों फ़ोन में दिखा देता हूँ लोकेशन कस्टमाइजेशन। तो लोकेशन में जाते हैं और हम लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, दोनों में लॉन्ग प्रेस कर दिया हम लोग। अब कस्टमाइज में जाते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेक्टिंग जो लेयर्स है, वो लेयर्स को डिटेक्ट करता ही रहेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत जल्दी काम कर लिया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर वॉलपेपर को भी चेंज करता हूँ। मैं दोनों डिवाइस में, अगर मैं आपको दिखा दूँ, मेरी गैलरी में कोई वॉलपेपर हमारे फोन में सेव है, तो मैं किसी वॉलपेपर को यहाँ पर सेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस वाले फ़ोन में जो शॉमी डॉट यू रोम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो लेयर को डिटेक्ट ही करता रहेगा। जबकि दोस्तों, रेडमी K20 प्रो में यहाँ पर वॉलपेपर भी अप्लाई हो चुका है, और मैं उसमें वॉलपेपर को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, किस तरह से हमें क्या सेट वगैरह करना है। और मैं यहाँ पर अप्लाई करके उसे अपने फ़ोन में यूज़ भी कर सकता हूँ। तो आपने देखा, काफ़ी इजीली रेडमी K20 प्रो में यहाँ पर वॉलपेपर अप्लाई हो चुका है। लॉक स्क्रीन में जो कस्टमाइजेशन है, वो देखने को नहीं मिलते यहाँ पर। मतलब जो आपके जो पहले से जो टेम्पलेट दिया हुआ है, उसे ही आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अपने वॉलपेपर को यहाँ पर कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो पहले से आपको प्रीसेट यहाँ पर दिया हुआ है, उसे आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज में जाएंगे आप लोग, वॉलपेपर को चेंज करेंगे, तो वो लेयर को डिटेक्ट करता ही रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मेजर इशू देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों फ़ोन की मैं गैलरी में जाता हूँ और दोनों फोटो सेम ही है। इसी शॉमी 20 प्रो से कैप्चर किया हुआ फोटो जो है, मैं रेडमी K20 प्रो में यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटरमार्क, मैं दोनों पे यहाँ पर लॉन्ग टैप करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रेडमी K20 प्रो में बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसे जो इमेज है हमारा, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या सेंड कर सकते हैं, या फिर उसको क्लिक करके हम लोग बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जब उसको यहाँ पर शॉमी 20 प्रो में दिखा दूँ मैं यहाँ पर, तो मैं लॉन्ग प्रेस करके रह रहा हूँ, पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और रेडमी K20 प्रो में हमें ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो एक शॉर्टकट की मिलता है, उसे क्लिक करके हम लोग सेम ऑप्शन को, जो हम लोग लॉन्ग प्रेस के ऑप्शन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सेम इस बटन को क्लिक करके हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब दोस्तों, रेडमी K20 प्रो के अलावा अगर शॉमी 20 प्रो की बात कर लेते हैं, जिसमें मैं शॉमी डॉट यू रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें हमें वैसा कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि शॉमी डॉट यू एक मोस्ट स्टेबल पोर्टेड रोम होता है, पर देख सकते हैं इसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारे बग्स देखने को मिलते हैं। तो ये मैं पिछले लास्ट दो बिल्ड से अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग भी शॉमी डॉट यू को अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, शॉमी डॉट यू की रोम को अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं, वो कमेंट में बता सकते हैं। और कि आप लोगों को भी ये बग देखने को मिल रहा है, कि आप लोग भी ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए डिवाइस और हाइपर ओएस वर्सन।